बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल हाउस फॉर सेल पॉइंट में सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मकान फॉर सेल है, ये देख लें, माशाल्लाह खूबसूरत डबल स्टोरी मकान है जो कि फॉर सेल है। तो इस मकान की मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा मकान की मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए। ये देख लें, मकान में जो फ़र्श पर मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, उसके अलावा छत में सीलिंग का काम, दीवारों पर जो है डेकोरेशन का काम और सीढ़ियां भी आपके सामने हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ किस्म का यानी कि पत्थर लगा हुआ है, ये देख लें। तो यहाँ पर और है, और अंदर वाले हिस्से में वाइट कलर का है इस तरह, यानी कि सीलिंग डिज़ाइन भी और कलर भी डेकोरेशन के हिसाब से मुख्तलिफ हैं। तो ये देख लें, फर्नीचर का जो काम है, उसके अलावा जो है विंडो वगैरह। तो मटेरियल और लोकेशन से आपको जो है इसकी डिमांड का भी अंदाज़ा हो जाएगा, जो कि इसकी डिमांड की गई है वो मुनासिब है या नहीं। तो दोस्तों, 5 मरले में बना हुआ है, 5.25 मरला यानी कि 5.25 मरले में ये मकान बना हुआ है। और इसमें रूम्स और वाशरूम कितने हैं वो भी आपको बता देता हूँ, उसके बाद इसकी जो है डिमांड भी आपको बताएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताएंगे, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला पेश ना आए, क्योंकि बाद में कमेंट्स मिलते हैं मुझे कि जो है प्राइस क्या है और लोकेशन क्या है, हर चीज़ वीडियो में ही बताई गई होती है। तो वीडियो को जिस टाइम मुकम्मल देखेंगे तो फिर इस तरह का मसला नहीं आएगा। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको पढ़कर सुना देता हूँ। 5.25 मरला न्यू डबल स्टोरी हाउस फॉर सेल, और इसकी लोकेशन जो है यहाँ पर दी गई है। दोस्तों, लोकेशन के बाद इसकी प्राइस बताते हैं आपको। तो लोकेशन जो है बूटा रोड, निज्द कश्मीर रोड, MB विलास टाउन, 225 स्क्वायर फिट। अच्छा, 225 जो है मुरब्बा फिट वाला मरला है ये। और यहाँ पर जो मालूमात में डिस्क्रिप्शन में जो कुछ दिया गया है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब इसकी डिमांड है, डिमांड भी आपको बताते हैं। उससे पहले छोटी सी गुजारिश है, जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देख लें, ये इसका वाशरूम भी बड़े साइज़ के बने हुए हैं, और टाइल वगैरह लगी हुई है, वेंटिलेशन के लिए भी अच्छा जो है सिस्टम किया हुआ है। और इसका किचन भी आपको दिखाते हैं, इसके बाद ओपन किचन, बड़ा ज़बरदस्त किचन बना हुआ है। और दोस्तों, इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है, डिमांड रह गई है, डिमांड भी आपको बताते हैं और ख़रीदारी का तरीकाकार भी। ये इसका किचन देख लें, बिल्कुल न्यू मकान है, देख लें अभी वो जो बॉक्स वगैरह बने हैं, फर्नीचर का जो काम हुआ है उनके ऊपर से अभी तक जो शीट लगी होती है रैपर, वो भी नहीं उतारा गया। तो दोस्तों, राजा बदर साहब हैं जो सेल कर रहे हैं, उनसे रابطے के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और इसकी डिमांड के अलावा मैं आपको बता दूं, जितनी यहां पर मालूमात दी गई है वो मैं आपको दे रहा हूं, और मज़ीद मालूमात के लिए और मकान के विज़िट के लिए आप राजा बदर साहब से राबता कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी डिमांड जो है 1.75 करोड़ रुपए इसकी डिमांड की गई है। और रूम्स और वाशरूम कितने हैं, 4 बेडरूम और 5 बाथरूम इस मकान में बने हुए हैं। 5.25 मरला यानी कि 5.25 मरले में ये डबल स्टोरी मकान बना हुआ है। और रूम्स वाशरूम की डिटेल भी आपको दे दी है, लोकेशन भी, डिमांड भी। तो आइडिया के लिए ही सिर्फ वीडियो होती है कि आइडिया हो जाए मकान की लोकेशन का, डिमांड का, रूम्स वाशरूम कितने हैं, कितने मरले में बना हुआ है और किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। ये सब चीज़ें आपको बता दी हैं, मज़ीद मालूमात का तरीकाकार भी बता दिया है, ख़रीदारी का तरीकाकार भी वाज़े तौर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। मकान मालिक से राबते के लिए इस लिंक पर क्लिक करें तो वहाँ से आप राजा बदर साहब जो सेलर हैं उनका नंबर हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, गुजारिश है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें। ये देख लें, डबल स्टोरी है ये, ऊपर वाला हिस्सा देख लें, नीचे वाला भी आपको दिखाया है। तो दोस्तों, इस मकान के अलावा और मज़ीद जो है सियालकोट में मकान बराए फ़रोख्त की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट का विज़िट करें, वहाँ पर भी आपको सियालकोट के मकान बराए फ़रोख्त की वीडियोस मिलेंगी, वहाँ से भी आप मकान पसंद कर सकते हैं मज़ीद जो है ख़रीदारी के लिए।
दोस्तों इजाज़त चाहेंगे आज की इस वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।